जय हिंद जय भारत। मेरे YouTube चैनल एग्जाम अटवे शर्मा में आपका स्वागत है दोस्तों। इसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि यूपी पुलिस 49,568 पदों की भर्ती जो है उसके मेडिकल कब से स्टार्ट होंगे, तो उसका दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है मेडिकल का। तो बता देता हूँ उस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। आप देख रहे होंगे इसमें दे रखा है पुलिस मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, और ये 29 अगस्त को जारी हुआ है। पुलिस आयुक्त लखनऊ के गौतम बुद्ध नगर, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश, यानी कि सभी SSP और SP के लिए ये जारी किया गया है। बाकी का आप नीचे देख सकते हो दोस्तों इसमें दे रखा है इसमें विषय कि किस विषय पर ये दिया गया है। तो इसमें सीधा सीधा रखा है पुलिस आरक्षी समकक्ष पदों की भर्ती 2018 के अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस के 31,360 तथा आरक्षी PSC के 18,208 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन, नियुक्ति और रिक्रूटों के प्रशिक्षण के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे, कृपया उपयुक्त विषयक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र PRPV FA 148/2020 दिनांक 20/8/2020 को अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस पद की चयनित 14,000 अभ्यर्थियों के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु प्रथम चरण में आरक्षी नागरिक पुलिस जनपदवार बुकलेट हार्ड कॉपी में चयन का विवरण DPST फाइल उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि पहले चरण में 14,000 लड़कों को बुलाया जा रहा है मेडिकल के लिए, ठीक है। इस संबंध में अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस पद पर चयनित प्रथम चरण में चयन सूची के वरिष्ठ आधार पर 14 अभ्यर्थियों को चयन के आधार पर उपरोक्त अग्रतर कर्णाली का कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के अनुमोदन उपरांत निमित्त निर्धारण किया गया, यानी कि 14,000 व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है और वो भी बुलाया जा रहा है दोस्तों वरिष्ठता की सूची के अनुसार, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दोस्तों कि मैं बता रहा था आपको कि आपके जो मेडिकल हैं या थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि भर्ती बोर्ड ने बोल दिया था कि हमारे पास बजट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बजट पास नहीं किया था, यूपी पुलिस का बजट पास नहीं किया था, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया था जैसा मैं बता रहा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने दे रखा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चिकित्सा परीक्षण या चरित्र सत्यापन, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है और आपका जो मेडिकल होना है वो आपको दोस्तों 7 सितंबर से आपके शुरुआत है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपके ये हो जाएंगे उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन जो होगी LIU से होगी दोस्तों, एक तो वेरिफिकेशन वो आपके ज़िले में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके थानों में जो वेरिफिकेशन हो जाएगी यहीं पे आपका जॉइनिंग लेटर इसी तारीख पारित हो जाएगा। तो JTC का जो प्रारंभ है दोस्तों वो है आपका 6 अक्टूबर से आपकी JT स्टार्ट है, और उसके बाद RTC जो स्टार्ट होगी दोस्तों वो 3 नवंबर से स्टार्ट होगी। नीचे दे रखा है दोस्तों इसमें 3 जो नंबर पॉइंट है कि निर्देशानुसार अनुरोध है कि अपने अपने जनपदों में पुलिस आरक्षी समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का डाटा व चयन परिणाम निर्देश बुकलेट पेनड्राइव आदि प्राप्त करने के विशेष भाग को 1/9/2019 को मुख्यालय भेजने में इसका कष्ट करें। तो यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें बता दो इसमें पूरा फंडा क्या है। तो इसमें दोस्तों फंडा ये है कि अभी तक ना मेरे पास एक थोड़ा फ़ोटो आया, लेकिन वो साफ साफ नहीं है, लेकिन वो इतना पता है कि जो ये लिस्ट आ रही है ना आपकी 14,000 की, उसका फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि 1/9 यानी जैसे ही आपका 1 सितंबर आएगा तो 1 सितंबर को 14,000 लड़कों की पूरी लिस्ट आपके लिए जारी हो जाएगी दोस्तों। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक लिस्ट का पेज जो वहाँ से आउट हुआ है, थोड़ा उसको आप देख लीजिए, उसके आप महसूस कर सकते हैं। देखो दोस्तों ये लिस्ट वहाँ से जारी हुई है, तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा साफ नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, दिखा दूँ आपके, इसमें दे रखा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एग्जाम 2018 पोस्ट नेम सिविल पुलिस कानपुर नगर लिस्ट मेरिट लिस्ट असेंडिंग कतन, इसमें कुछ दे रखा है समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन एक कानपुर की लिस्ट जारी हुई है, यानी कानपुर शहर की कोई लिस्ट जारी हुई है जिसमें मेडिकल वाला सिस्टम है। तो यहाँ की तो होगी, लेकिन दोस्तों 1 तारीख को सभी जनपदों की लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। बाकी का मेडिकल के बारे में बता दूंगा कि आपको क्या कर लेके जाना है और मेडिकल कैसे होता है, और बता दूंगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कैसी होती है, और आपके जब DV परीक्षा DV PST तो आपकी हो गई है, उसमें आपने जो कागज़ जमा किए थे उससे अलग कौन से कागज़ आपको मेडिकल पर जमा कराने, तो इसकी वीडियो में लेके आऊँगा दोस्तों। जो हमारे चैनल पर नए हैं ना वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साइड से घंटे पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।